हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह है डिस्कवर 100T, लगभग 2010 या 11 मॉडल, 11 या 12 होगी शायद। यह 4V 4 बाल। इसमें क्या, इसमें हो गया इंजन ऑयल ख़त्म। हमने चचा को बोला, भाई चचा तुम्हारा इंजन ऑयल ख़त्म है, ऑयल डलवा लो। चचा ने ऑयल नहीं डलवाया, बोले बाद में डलवाएंगे। आज पता चला इंजन जाम हो गया। अब इसका किक नहीं लग रहा, इंजन हो गया जाम। अब हम इसको, अब जिनके पास डिस्कवर है तो यहाँ पहले ऑयल चेक कर लिया करें, ऑयल पूरा है इंजन में या नहीं। अगर इंजन में ऑयल नहीं है तो पहले इंजन में ऑयल पूरा करा लिया करें, चाहे पुराना ही डलवा लें। नया डलवाने का हिसाब नहीं है तो पुराना डलवा लें। किसी किसी गाड़ी में यहाँ से ऑयल चेक होता है, तो ये वाली डायट खोल के इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं आप, उसमें गेज होता है। अगर इंजन ऑयल नहीं होगा इंजन में तो इंजन सीज हो जाएगा। तो हमने इनको बोला ऑयल डलवा लो, इन्होंने ऑयल नहीं डलवाया, इंजन हो गया इसका सीज। अब देखते हैं खोल के इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, बिना देर करें काम सुने। ठीक है फिर दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें इतना मोबिल निकला, बहुत से बहुत होगा तो 100 ग्राम ऑयल होगा। ये इसमें ऑयल नहीं है, 100 ग्राम ऑयल निकला है इसमें। पहले खोलते हैं इसका क्लच और देखते हैं क्या कंडीशन है, इंजन घूम रहा है या नहीं। किक तो है जाम, उसके बाद खोलेंगे इसका हेड सिलेंडर। इसमें आप देख सकते हो हमने इसकी किक में लगा रखी थी बुलेट की किक स्प्रिंग। इसकी स्प्रिंग टूट गई थी तो हमने इसकी बुलेट की स्प्रिंग लगा रखी है इसके किक में, क्योंकि इसकी किक स्प्रिंग जो है वो टूटी हुई है। जब आई थी ये शुरू में ही इसकी टूट गई थी, तो इंजन खोलना कब पड़े तो इस चक्कर में हमने बुलेट की स्प्रिंग लगा के जुगाड़ कर दिया था। 8 साल ऐसे ही चला थी। देख सकते हो आप, बिल्कुल भी क्लच पे मोबिल का नाम नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अब ये पाने से हम इसको इंजन को हिला रहे हैं तो ये हिल रहा थोड़ा। ये है जाम इंजन इसका। चलो उधार ले तो आए। इसका खोलते हैं हेड और देख लें अगली प्रक्रिया। उसमें होती है उल्टी चूड़ी या क्लच का नट, ये इसका पुलर आता है खोलने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको छेनी हथौड़े से खोलते हैं और ये आता है इसको रोकने के लिए। अगर रैचेट वाली गन हो तो कोई बात ही नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें होते हैं 2 बार्सल, एक प्लेन एक ब्लॉक बार्सल। ये खत्म हो गया, देख सकते हो आप गड्ढा हो गया, कलच प्लेटें भी सूख गई हैं। खत्म, टाटा गुड बाय। और इसका ये सेंटर भी ख़त्म हो गया, क्लच सेंटर क्लच अब दोनों ही कट गए बुरी तरह से, बिना ऑयल के चल रहे, पूरा सेट ही पड़ेगा इसमें। आसी
चलो ये तो चलेगा, कटोरा भी अभी सही है। अब इसका खोलेंगे हैक, इसकी नहीं खुली चिलम। आ रहे हैं बेटा अभी 5 मिनट रुको, इसकी वो रुको वो काटे हो रिकॉर्डिंग पाई की रिकॉर्डिंग अपने सब बोलने की बोल रही है। हाँ तो बोला बिना बोले काटेंगे क्यों हम बोलने की। अरे यार सबकी रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? हाँ पापा चाय आ रही है, पापा सब भेजोगे? हाँ पापा चाय आ रही है घर पे, बर सब बना रखी है तो चाय भी आएगी घर पे। ये कर दो यार चैन से, कर दो अभी करेंगे चैन, एक मिनट रुक जाओ हेड निकाल लें इसका बस। जाओ सर ये सर है वो आता है कि पेट है। जो गाड़ी में यार क्या क्या कर रहा है सच्चा, आपकी बार इसके साथ बात समझ में नहीं आ रही यार। इसकी शादी करानी पड़ेगी पंडित जी। अरे इसकी शादी तो ना हो रही, अभी अपने शादी के चक्कर में है ये, बार बेचारा परेशान हो रही है हमारा, तुम जानते हो हड़प लगी रही है क्यों भाई। सब हिल लगे ढाँ चला दिए तुमने सर, दूसरी गाड़ी मत कर दियो भाई साहब, पता चला दूसरी कर दो तुम्हारे लिए कर दो ड्रामा, हर बार यही ड्रामा है हमारा। ड्रामा यार थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा मत करो, गाली वाली नहीं, गाली नहीं चलेगी भाई। अरे भाई साहब मैं क्या सच्चा, अब खांसी सीजन आ रहा है, सीसी बेचो दबा के। हाँ मैं खांसी की सीसी है तो बेचूंगा, एक काम करूंगा खांसी की सीसी है बेचूंगा। हमारे पास तो कस्टमर आते हैं। हाँ मेरे पास तो बहुत कस्टमर आ रहे हैं, इसकी चूड़ियाँ भी बनेगी ना। चूड़ियाँ भी तो डाली तुमने यार, ये कौन सी चूड़ियाँ डाल दी? यही सब बड़ी मुश्किल से तो निकला है ये। हाँ तो जय जय पर अभी चाचा, अरे चाचा पहले कंडीशन तो देख लो, कंडीशन देखो। कैसे तुम्हें पसंद करो यार। अरे रुक जा भाई, क्या पापा बोलो करो पापा। देखो पिस्टन सीज हो गई नहीं हो गई? हाँ वो सीज। अरे जाम पड़ी है पिस्टन क्रैंक में, क्या सीज सब सही कर दोगे तुम? ना क्या सही करूँगा, देखो पिस्टन सीज है या नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से सीज हुई पड़ी है। और बिना मोबाइल के चलाओगे तो क्या होगा? अच्छा अच्छा ये बताओ, और ये क्रैंक क्रैंक में ये जाम पड़ी हुई है पिस्टन, हिल तक की तो है ना रही पिस्टन ये? ऐसा हिले ही हो तुम यार। ना तो हिलाऊंगा कैसे, ये पूरी जाम पड़ी है क्रैंक पिस्टन में, जाम पड़ी है ये, और ये निकलेगी कैसे? ठीक है भैया इसका खोलना पड़ेगा पूरा इंजन, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो हो जाएगी लंबी, चलो देखते हैं ट्राई करके। अंदर से सिलेंडर भी जो है बेहतरीन हो रहा है, लाजवाब, एक भी स्क्रैच नहीं आई है इसके अंदर। बिल्कुल स्क्रैच ही स्क्रैच है, चलने का मतलब ही नहीं है। अब देखना पड़ेगा पिस्टन क्या की है, एक बार वहाँ पड़ गई, एक मैंने डाल दी 25-50 और 75 की आएगी, अगर हुई 75 की तो पड़ेगा पूरा सिलेंडर, समझ गए?